नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला कानपुर देहात का है, जहां पर आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं पर भोगनी पर विधायक विनोद कटियार ने भी मुफ्त राशन वितरण में हिस्सा लिया। अमरोधा कस्बे पहुंचे भोगनी पर विधायक विनोद कटियार ने सैकड़ों गरीब परिवार को मुफ्त राशन वितरण करते हुए सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से संवाद किया। वहीं दूसरी ओर विधायक विनोद कटियार ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण का आयोजन किया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधि पहुंचकर लोगों को मुफ्त में राशन वितरण कर रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरीके से फिर से कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं जनजीवन फिर से अस्त व्यस्त हो सकता है, जिसको देखते हुए भाजपा सरकार लगातार लोगों के हित में कार्य कर रही है। वहीं पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने अमरोधा कस्बे पहुंचे भोगनीपुर विधायक विनोद कटियार ने सैकड़ों गरीब परिवार को मुफ्त राशन वितरण करते हुए सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से संवाद किया। वहीं दूसरी ओर विधायक विनोद कटियार ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण का आयोजन किया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधि पहुंचकर लोगों को मुफ्त में राशन वितरण कर रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरीके से फिर से कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं जनजीवन फिर से अस्त व्यस्त हो सकता है, जिसको देखते हुए भाजपा सरकार लगातार लोगों के हित में कार्य कर रही है। वहीं पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने मुफ्त राशन पाकर खुशी जताई। गरीब कल्याण योजना को लेकर जब पत्रकार ने भोगनीपुर विधायक विनोद कटियार से बात की, मुफ्त राशन पाकर खुशी जताई। गरीब कल्याण योजना को लेकर जब पत्रकार ने भोगनीपुर विधायक विनोद कटियार से बात की, तो उनके साथ की गई खास बातचीत देखिए इंडियन प्राइम न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आपकी उपस्थिति हुई थी? देखिए, आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खाद उत्सव दिवस के रूप में 5 अगस्त को मनाया जा रहा है। 5 अगस्त एक ऐसा दिन जब भगवान श्री राम का शिलान्यास अयोध्या में परम आदरणीय मोदी जी के द्वारा कराया जाता है। 5 अगस्त संसद में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से के द्वारा 370 धारा को खत्म करने का ऐलान किया जाता है। 5 अगस्त को सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से ये बताने का काम किया जा रहा है कि देश में, उत्तर प्रदेश में या देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जो राष्ट्र की चिंता करता है, देश की चिंता करता है, देश के विकास की चिंता करता है, गरीबों की चिंता करता है, इसलिए गरीबों के हर घर में आज अन्न पहुँचाया जा रहा है। अन्न के साथ में एक झोला भी दिया जा रहा है और सबको निःशुल्क दिया जा रहा है। 80,000 उत्तर प्रदेश के 80,000 केंद्रों पर आज एक उत्सव मनाकर अन्न दिवस को आज मनाया गया है। देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली से टेलीकास्ट किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ से किया है और हम सब जनप्रतिनिधियों ने खासतौर के कानपुर देहात के 792 केंद्रों पर आज निःशुल्क अन्न का वितरण हो रहा। We'll be right back.